हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार मौर्य आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आइए, क्वेश्चन नंबर हम आज 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया क्या हुआ है? ए बाई बी इज्कल टू 4/5 एंड बी बाई सी इज्कल टू 15/16। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। तो हमें क्या चाहिए? ए और सी चाहिए, मतलब हमें बी को हटाना है। तो क्या करेंगे? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी कट जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ए बाई बी इधर इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बाई सी होगा, इक्वल टू 4/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 15/16। ये हो जाएगा 5 से 5, 5 से 15, 4 हो जाए 4, 4 4 जाए 16 हो गया। बी को बी से काट दिए, क्या हो गया? ए बाई सी हो गया। इक्वल टू हमारा कितना आएगा? 3/4 आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो हम यहाँ से ए बराबर 3 निकालने और बी बराबर 4 आ गया। कंपेयर कर लेंगे। क्या कंपेयर पे? क्यों? क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। सी हमारा, सॉरी, सी है, सी को यहाँ पर रखेंगे। क्या हो जाएगा? 4 4 जो 16 माइनस ए 9 अपॉन 4 4 जो 16 प्लस 9, तो ये हमारा 7/25, यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।